अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर रीगल के पास। ये मार्केट जो है ना, ये सोलर वाली मार्केट है और एक आगे मार्केट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। वहाँ चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम क्या क्या मिलता है। सुना है कि 12 वोल्ट के पंखे जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के आए हुए हैं, वो भी देखेंगे। और यानी कि आज वॉकिंग टूर करेंगे, यानी कि पैदल घूमेंगे, देखते हैं कि हमें इस कैमरे में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। हमारे साथ ही रहना दोस्तों। आगे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। 12 वोल्ट का पंखा, ये 12 वोल्ट का पंखा है जी भाई, ज़बरदस्त। कितने का ये? 2300 रुपये का। अच्छा, 2300 रुपये का है ये बड़ा सा। 800 रुपये का, 800 रुपये का बैटरी सेटअप। कितने का है ये पूरा सेटअप? आपको पड़ेगा तकरीबन 3100 रुपये का। 3100 का पूरा सेटअप, ये 12 वोल्ट में। इसकी गारंटी क्या होती है? गारंटी कोई नहीं है, बगैर वारंटी के। 3100 रुपये। ये हमारे बाबा जी हैं जो कि टीम। एक मिनट, इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये थोड़ा बाहर आए, ये हमारे अभी अपने बारे में बताएंगे कि इनके पास पुराने टीवी नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि दौर ख़त्म हो चुका है। अब वो पंखे का माइक आ जाएगा, आप तो थोड़ा आगे आ जाएं। ठीक है सर, आप अपना नाम बताएं और उसके बाद आप ये बताएं कि कितना अरसा हो गया काम करते हुए। मुझे 45 ईयर हो गए। 40 क्या काम करते हैं आप? सेल परचेज का। ये तो आप तो चलते नहीं हैं, ये अभी भी लेने आते हैं लोग, वो लोग जो LED से बेजार हो जाते हैं, या ज़्यादातर जो वॉचमैन के लिए लेने आते हैं, वॉचमैन को LED एफोर्ड नहीं करते थे। तो ये थोड़ा ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है ये LED से LCD से थोड़ा ड्यूरेबल है, पायदार है। तो इसीलिए वो लोग लेते आते हैं, और ज़्यादातर सीनियर सिटीजन को यही पसंद है। जितने भी अभी भी चल रहे हैं आप? हाँ चलते हैं, अभी भी आते हैं, अभी भी लेने आते हैं। कितने साल पुराने? ये कंपनियाँ बंद हो गई, इसके 12 से 13 साल हो गए। क्या कीमत है इनकी इस वक्त? जो प्राइस जो हमारे सेल के परचेस के ऊपर है, कोई परचेस कम हो तो कम में दे देते हैं। कम से कम कितने का मिल जाएगा? कम से कम 3000 रुपये। 3000? कौन सा टीवी? 3000 के 14 इनके मिल जाएंगे। 14 ये 3000 का मिलेगा? 3000 का। 3000 ये वाला कितने का मिलेगा? ये 4000 के आसपास। 4000 के पास? यार कितना सस्ता है, 7 सुथरे पीस है वो। एक तो ऐसा ना कि जैसे कि संबंध इलाके में जो चले होते हैं सर्किट, इसकी डैमेज हो जाती है, तो हम लोग लेते हैं वो जो जिससे सर्किट में जान हो वही हम रखते हैं, बाकी हम स्क्रैप कर देते हैं। अच्छा, स्क्रैप कर देते हैं। कोई रिपेयर होने के लिए भी आते हैं? हाँ, रिपेयर करने के लिए चंद मैकेनिक रह गए हैं जिसकी रोजी रोजगार लगी भी है। अच्छा, तो उससे भी अगर कहो तो मुलाकात करा दूंगा, तो वो यही रिपेयरिंग का काम करते हैं। वो इतना बड़ा पीछे आपके सर के पीछे पड़ा है सोनी का, ये कितने का है? ये आपको 5000 में दे देंगे। 5000 का? इतना सस्ता? ये कोई ज़माने में 30000 रुपये का, 35000 रुपये का, जब डॉलर 90 रुपये का था तो लोग इंस्टॉलमेंट में लेते थे, कोई एफोर्ड नहीं कर सकते थे 30000 रुपये लेने के लिए। तो 30000 वाली चीज़ आपको 5000 की मिलेगी। तो ये पीछे इतना बड़ा पेट होता है, ये क्या चीज़ होती है? हाँ, ये जो इसके पीछे जो बड़ी होती है, इसकी जो कम है, ये अल्ट्रा स्लिम कहलाता है। ये वाला ये लेटेस्ट मॉडल है, यानी लेटेस्ट से भी यानी 10 साल पुराना मॉडल है। सही है, लेकिन ये अल्ट्रा स्लिम आए थे। अल्ट्रा स्लिम, ठीक है। अल्ट्रा स्लिम के जो है ना, जो हमारे सेल्फ में आ गया, लेकिन ये जो है इसकी जो की चोंच बड़ी है पीछे टूपी, वो नहीं आ सकता। हाँ, चोंच बड़ी है। हाँ, तो ये डोरी पायदार ये है क्योंकि इसमें पीछे टूपी गैस ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका कंट्रास्ट ज़्यादा होता है। तो फिर LED की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतने सस्ते दे रहे हैं आप, और ऊपर से है भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़। ज़बरदस्ती ये लोग, इसलिए एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिसका छोटे से छोटे कमरे होते हैं ना, फर्नीचर जिसके घर पे नहीं आते हैं, और टीवी की जगह आप नहीं रही, जैसे सीधे की घर पे जगह नहीं रहती है, इस तरह बोलने पर दीवार में लगा दिया LED। अच्छा, और LED भी लोग कहाँ देखते हैं आजकल, जब से मोबाइल आ गए तो LED का जो LED पे जो है लोकल प्रोग्राम ना, हमारे यहाँ कोई लोकल प्रोग्राम अच्छा आता है ना, लोगों को इतना टाइम जो भी है व्हाट्सएप से देख लेते हैं। सही बात, LED जब से इनके पास आ गया है तो अपने TV का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन सीनियर सिटीजन को TV चाहिए तो वो तो लेंगे। सही बात है, उनको व्हाट्सएप चला नहीं आता, उनको इनकी अहमियत का पता है। इसमें साउंड भी अच्छा है, LED के अंदर स्पीकर छोटे होते हैं, इसके अंदर स्पीकर भरे होते हैं, तो साउंड की जो क्वालिटी है वो सीनियर सिटीजन को जो सुनने में तकलीफ होती है तो वो ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। उनको आप 55 इंच की LED दे दो, कई लोग ऐसे आए हैं। अच्छा, लेकिन वो नहीं मांगते 21 इंच का TV। अच्छा, ये बताओ कि क्या नाम है उसका, अपना फ़ोन नंबर तो बताओ, ताकि अगर कोई लेने आए तो कहाँ मिलेंगे, आपका एड्रेस भी बता दो। 03213827661 एड्रेस, मेन रिगल चौक,
बैंक अल हबीब, ये बैंक अल हबीब है, बैंक अल हबीब के बराबर में ये दुकान है और आप देख सकते हैं 3,000, 4,000, 5,000 ये इतने सस्ते ड्यूरेबल गारंटी के साथ। ठीक है सर, थैंक यू। और आगे चलते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम सर, ये रिमोट कंट्रोल आपके पास पड़ा हुआ है, कौन कौन से टीवी के? हर रिमोट मिल जाएगा, टीवी का जो भी रिमोट है सारे रिमोट मिल जाएंगे, यानी कि कोई ऐसा भी है जो मिलता ही नहीं है लेकिन आपके पास होगा? हाँ। ये सारे नए हैं या पुराने भी मिल जाएंगे? नए भी हैं, पुराने भी हैं, हर चीज के रखते हैं, जैसे कि डीवीडी की भी है, डीवीडी के भी डोर खत्म हो गए, डीवीडी के भी मिल जाएंगे, वीसीआर के डोर खत्म हो गए, वीसीआर के भी मिल जाएंगे। अच्छा, कम से कम कितने का है? कम से कम 100 रुपए का है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का है। जो ओरिजिनल है कॉपी है? ओरिजिनल जो है वो 1,000 रुपए वाले वो ओरिजिनल, बाकी चाइना वाले जो है वो कॉपी है। 1,000 वाला दिखाओ जरा शक्ल, बाकी ये जो ऊपर लगे हुए ना ये सब महंगे रिमोट है। अच्छा, अभी ये ओरिजिनल रिमोट है एलजी का। हाँ। अब ये नया रिमोट 3,500 रुपए का, हमारे पास यूज में 1,000 रुपए का। अच्छा, यूज में ये जी। सही 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 सही। तो इस हिसाब से एसी के रिमोट भी मिल जाते हैं, एसी के रिमोट जैसे के भाई पीछे गली कौन सी, तमाम रिमोट जैसे के जो नहीं मिलते वो भी मिल जाएंगे। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, रिमोट भी मिल जाएंगे आपको भाई सदर मार्केट में, और ये दुकान है इनकी नासिर के नाम से ना? नासिर। यहाँ पर पंखे भी मिल जाएंगे 12 वोल्ट के वगैरह, सोलर भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी रिमोट है, यहाँ पर डेक है। और ये हैं सोलर, यहाँ मोटरसाइकिलें हैं खड़ी हुई पार्किंग के ऊपर। ये प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है? अच्छा, एलईडी हैं, स्पीकर हैं, ये पंखे 12 वोल्ट के, ये चीज़ है? ये 12 वोल्ट का पंखा है। हाँ। असल में जैसे लोड शेडिंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, जैसे ये 12 वोल्ट का पंखा है और बैटरी है और ये चार्जर है, असल में अब लोड शेडिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है, तो इसमें हमने सोल्यूशन बना दिया है कि 12 वोल्ट का पंखा लेके और बैटरी लेकर चार्जर लेकर हमने इसको लगा दिया है। ये बिजली पे चार्ज करके आप इसको चला सकते हैं, ये 3 घंटे के बैकअप के साथ गारंटी के साथ होगा, और ये आपको पड़ता है 7,500 का। यही पंखा आप बिजली पे भी चला सकते हैं, ये देखें ना एडोप्टर के साथ चल रहा है, ये एडोप्टर के साथ चल रहा है, ये छोटा पंखा है, इसकी हवा बड़ी अच्छी है, आप हवा खाएँ आपको अंदाज़ा होगा। और ये बैटरी वाला मैंने चला देता हूँ, आप इसकी भी हवा खाएँ आपको अंदाज़ा होगा। तो हाँ, ये सर ये नई बैटरी में बना हुआ है, तो हवा इसलिए थ्रो इसकी ऐसी है। यही चीज़ हमने पुरानी बैटरी में भी बना के रखी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें यही चीज़ ये पुरानी बैटरी में, ये बैटरी ओल्ड है, ये जो बैटरी है ये ओल्ड है, ये बैटरी न्यू है। ये 4,800 का पड़ता है, 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, ये 3,000 रुपये का पड़ेगा, ये 7,500 का है, 3 घंटे चलेगा और बैकअप की गारंटी होगी। फाइनल प्राइस क्या होगा? ये 7,200 का होगा। चार्ज कैसे होगा ये? ये सर इलेक्ट्रिक से होगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पे लगा दो, लगा दें वैसे चार्ज हो जाएगी, यूनिट खर्च होंगे फिर। ये बहुत ही कम, जैसे कि 20 वॉट लेते हैं, 20 वॉट लेगा, 20 वॉट लेगा चार्जर, छोटे चार्जर बहुत कम वॉट लेते हैं, ये छोटा चार्जर है 20 वॉट लेते हैं, ये 3 घंटे चलेगा, 3 घंटे इसमें। आप वजन कितना है? वजन सर कोई भी नहीं है, आप उठा सकते हैं इसको, ये हैंड कैरी है, 3-3.5-4 kg का वजन होगा, कहीं भी रख लें आप इसको। ये रोटेशन है, पंखों की जी सर, यही फैन है, आप देखें हमने बैटरी लगा दी, चार्जर लगा दिया, हवा बड़ी ज़बरदस्त है। ये सर ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप एंड डाउन, ऐसे नहीं होगा, ऐसे वाला भी पंखा है, वो भी मिल जाता है, पंखे तो बहुत हैं, आप जो पंखा पसंद करेंगे आबिद भाई ये पंखा मुझे लगा दो। अच्छा, ये बता आजकल गर्मियों में सेल कितनी हो गई? सेल तो सर देखें, बात ये है कि सेल तो है, मगर मसला ये है कि अब जो पंखा पहले 1400 का था वो 2200 का मिल रहा है, और जो बैटरी 1800 की थी वो 3200 की मिल रही है, तो मुश्किल में है थोड़ा सा हम लोग, हम क्या सारी आवाम मुश्किल में है, सारे परेशानी में है। और अगर कोई इस वक्त मज़े हैं किसी के, तो वो सरकारी एम्प्लॉइज जो हैं उनके मज़े हैं। हाँ बिल्कुल सही सी बात है, एक नहीं, एक तरफ तो वो कहते हैं मुल्क में पैसा नहीं है, मुल्क दिवालिया हो गया है, IMF से पैसे चाहिए, पैसे लेने हैं, और दूसरी तरफ आप 1,000,000,000,000 रुपये का बजट पेश कर रहे हैं, 800 करोड़ उसको दे दो, 500 अरब उसको दे दो, भाई अल्लाह का नाम लो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह का अजाब आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। एक वक्त आप कहते हो कि पैसे नहीं है हमारे पास, हमने IMF से कर्ज़ा लेना है, दूसरी तरफ आप बजट के अंदर 1,000,000,000 रुपये दे दिया आपने, 1,000,000,000 रुपये बजट में दे दिया आपने कि वो वहाँ बनाएगा, वो फलां वहाँ बनाएगा।
ये हैं दोस्तों पंखे, ये छत वाले जी सर, ये छत वाले एसीडीसी फैन है। ये मुबारक कंपनी का पंखा आपको मिल जाएगा, बड़ा अच्छा पंखा है, खुर्शीद के मुकाबले में पंखा है ये। अच्छा, हवा बड़ी अच्छी है सर, 8500 का ही, 8500 का है। गारंटी होगी ना? बिल्कुल सर, गारंटी है, 5 ईयर मोटर की होती है और 1 ईयर कार्ड की होती है। तैमूर ले लें 10,000 रुपए का है, 2 साल मोटर की, 1 साल GFC सर, 9,800 रुपए का है, 9,800 रुपए का है। पाक पहले पाक फैन आते थे, पाक फैन बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं। क्या वो ज्यादा कीमत है? नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी उन्होंने यूनिट्स की प्राइस इस कदर बढ़ा दी है, और दूसरा 200 यूनिट के बाद अगर आपका 201 यूनिट हो गया तो बिल आपका बहुत ज्यादा हो गया, 1 यूनिट फिर आपका प्लस 5,000 रुपए का हो गया। तो लोग बेचारे परेशान बहुत हैं, वो हर कोई डीसी पंखों में, बनाने वालों ने बनाए नहीं कि इतने बिकेंगे नहीं, अब उन्होंने यूनिट इतने बढ़ा दिए हैं कि हर बंदा पंखे ये डीसी लगा। हालांकि 8 दिन पहले किसी बंदे ने पंखा लगाया 8,000 रुपए का, अब बिजली के बेड इतने बढ़ गए तो वो 8,000 वाला उतार का बेचारा 2,000 रुपए का बेच रहा है वापस, और वो भी नया पंखा एसीडीसी लेके जा रहा है। और फिर पंखे शार्ट हो गए, पंखा कहा जा रहा है 30 वाट का है, 5 वाट का है, 30 वाट, देखिए 30 वाट का जो पंखा है वो आपको एसी वाले रूम में हवा दे देता है, मींस के एसी चल रहा है 4 घंटे 5 घंटे से लाइट चली गई और वो आपको हवा देता है। 30 वाट वाला पंखा तेज गर्मी के अंदर आपके पसीने खुशक नहीं कर सकता, उसके लिए मिनिमम 50 वाट का पंखा आपको लेना पड़ता है, जो आपको थ्रो अच्छी देगा, हवा अच्छी देगा। बेचने के लिए तो आप कोई भी चीज़ बेच दो अच्छा करके बिक जाती है वो, मगर जो रियलिटी है वो देखनी पड़ती है। और हमने बेटी में बड़े में भी बना के रखे हैं, वो भी डेमो देता हूँ, पका पिता नहीं, जरा वो अंदर से पंखे निकाल के ला, ये कंपनी की तरफ से आ गया है। ये कंपनी का पंखा है, क्राउन के नाम से है, ये आपको मिल जाएगा 3 घंटे का इसका बैकअप है, बैटरी इसके अंदर लगी हुई है, वारंटी मिलेंगे 1 साल की, तो ये 11,500 का पड़ता है, विदाउट वारंटी में 9,500 का है, 9,500 का है, 3 घंटे का बैकअप है। ये मेरा अपने हाथ का बनाया हुआ पंखा है, ये पंखा मैंने खुद पसंद किया है, अच्छा पंखा निकाला है, चार्जर इस पर मैंने अच्छा लगाया अलकरम का UPS टाइप का 2-in-1, बैटरी मल्टी पावर की लगी है, 12 वोल्ट 18 एम्पीयर की, इसका 6 घंटे का बैकअप है, बिजली पे भी चलाएं बैटरी पे भी चलाएं ऑटो है ये, 18,500 का है ये सर, तकरीबन 3 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगी और 6 घंटे का बैकअप है इसका, 18,500 का है ये। और आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे चलेंगे हम, AC DC पंखे भी हैं, सब कुछ है, LED भी हैं, सेल LCD भी हैं, और पता नहीं क्या क्या है। आगे की तरफ मार्केट चलें, आगे वाले पे, यहाँ इतनी शदीद गर्मी है कि लोग पंखे ले लेके जा रहे हैं, देखें शदीद गर्मी में नींबू पानी अच्छा जी, ये जो मार्केट, अच्छा अजान हो रही है, थोड़ा सा मैं रुकता हूँ क्योंकि ये जो मार्केट है ये बिल्कुल मेन मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं जहाँ पे ना, स्विच वगैरह बिजली का आइटम सारा मिलेगा यहाँ पे। अच्छा ये वीडियो जो है ना लंबी हो जाएगी, जिसमें ये पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें जो है ना हम लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सर कैस क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, क्या क्या आइटम बिक रही है आपके पास? हमारे पास अभी 12 वोल्ट के पंखे हैं फिलहाल, फिलहाल 12 वोल्ट के पंखे, और ये इलेक्ट्रॉनिक ये लाइटें भी तो हैं? ये 12 वोल्ट की लाइटें हैं सर, बैटरी पे चलती हैं, बैटरी पे चलती हैं, सही। यहाँ पर भी बैटरी से ये बल्ब हैं, LED बल्ब हैं, यहाँ पर सब LED मिलेंगे, स्विच मिलेंगे, सोल्डर मिलेंगे, प्लास मिलेंगे, ये जूस वाला मिलेगा यहाँ पर। ये आ गई मेन मार्केट जहाँ पर इतना रश लगा हुआ है, इतना रश लगा हुआ है गर्मी की वजह से, लोग परेशान हैं, और परेशानी के आलम में जो है ना पंखे वंखे पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। देखें ये देखें सर, ये कितने का लिया आपने? 1,000 रुपये का। ये दीवार में लगने वाला है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये डंडा इसका बाथरूम में भी लग सकता है। रश लगा इतना गर्मी की वजह से,
पंखे वंखे लेने के लिए सिर्फ पंखे ही लोग जो ना ले रहे थे। आठ हज़ार रुपये का क्या नया लिया अभी? नया है फिर नहीं, अभी तो उसको दिखा रहे हैं कि अभी दो दिन पहले लिया था या ख़राब हो गया है। अच्छा ख़राब हो गया, चला नहीं है। 8,000 रुपये का अभी लिया था। 8,000 का लेने के बाद 3 दिन में ख़राब हो गया? हाँ, ये 3 दिन के अंदर बैठ गया है। क्या चीज़ ख़राब हुई है? पता नहीं, चार्जिंग नहीं हो रही है भाई। ये देखें, ये आप पंखे लेके तो जाते हैं लेकिन क्या नाम है उसका, अल्लाह भला करे, ख़राब भी हो जाते बड़ी जल्दी, तो फिर ये रिपेयर करने के लिए लेके आते हैं लोग। यहाँ पर रश इतना है कि चलना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, ये टूटा कैसे? कोई हाथ कोई चीज़ लगी है? ये सर असल में एक साइड मैंने खुली हुई थी, सफाई कर रहा था और मैंने पंखा चला दिया इसका। ओए होए, मेरी कमीज़ जो वो खींच ली उसने, कमीज खींची तो कमीज फट गई, फिर मैंने बटन बंद कर दिया, लेकिन पर टूट गया। थोड़ी एहतियात करें ना आप पर। तो ये 700 रुपये का पर लेने के लिए पर टूटा हुआ इनका। पंखों के हवाले से और बहुत ज़्यादा रश है यार, क्या करें, खुदा की कसम इतना रश लगा हुआ है। ये मेरे को भी जो है ना यहाँ से निकलने का रास्ता मुश्किल से मिल रही है। देखें आएगी जो नहीं कैमरा नहीं यार, यूट्यूब जो है। हाँ मास्टर आई एक और पंखा लेके जा रहे हैं। आइए चलते फिरते मास्टर आई। मास्टर अस्सलाम वालेकुम। सर कितने का लिया? ये 6,000। 6,000 का 12 वोल्ट है? 12 वोल्ट 12 वोल्ट का ज़बरदस्त 6,000 रुपये। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कितने का लिया पंखा? 9.5। 9.5 का 12 वोल्ट है? 12 वोल्ट का। क्या गारंटी क्या दी उन्होंने? कुछ भी नहीं गारंटी। गारंटी नहीं है, बस ले जाओ और ख़राब हो गया तो हो गया। ख़राब हुआ वापस लेके आ गए। कब खरीदा था ये? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले? हाँ। कितने का लिया था? 9.5 का। यार ये अब मैं क्या बताऊँ कि क्या नाम है उसका, आप पंखे 12 वोल्ट के लेके तो जाते हो लेकिन क्या नाम है उसका, अच्छा 12 वोल्ट के पंखे जो है ना वो लेने से बेहतर है कि आप ये पंखे भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि 12 वोल्ट से अच्छा काम करेगा ये वाला पंखा ना, ये कंप्यूटर वाले हैं। तो दोस्तों ये बता दूं कि अभी आपने मेरी एक मिनट अभी आपने देखा कि 12 वोल्ट पंखे लोग जो है ना लेके जा रहे हैं, 3-3 दिन के बाद ख़राब हो जा रहे हैं। उनका सबका जो है ना तोड़ है वो ये वाले पंखे, अगर ये लेके जाएंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर वाले पंखे हैं, ये भी 12 वोल्ट के होते हैं। पता करते हैं कि 12 वोल्ट के होते हैं। बताओ ना, ये 12 वोल्ट के कंप्यूटर वाले फ़ैन होते हैं। ये कितने का है? अलग अलग रेट है, आप उठा ले जो चाहिए। ये वाला कितने का है? ये 1200 रुपये का है। ये 800 रुपये की जोड़ी है। कितनी बड़ी है इसकी? जी हाँ। कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा बड़ी है। कितनी? जैसे जो 500 के थे वो 800 के हुआ है, ये 1200 रुपये की। अच्छा, इसकी ये ज़रा चला के दिखाओ, उसकी हवा तो चेक करें ज़रा। इसमें क्या कुछ लगाना पड़ता है? ये डॉक्टर लगाना पड़ता है बिजली में चलाने के लिए, वैसे बैटरी पे चलते ही। 12 वोल्ट का ना वैसे इस साइड, ये 12 वोल्ट। हाँ बैटरी पे लगा दो बस। डॉक्टर का है इसका? ये डॉक्टर साहब की दुकान है, वो लेना पड़ेगा। अच्छा, वो लेना पड़ेगा बिजली पे चलाने के लिए। बिजली पे चलाने के लिए इसको डॉक्टर लेना पड़ेगा, फिर ये पंखे ये आप ले सकते हैं, क्योंकि एक भी चलेगा, एक भी बहुत तेज़ हवा देता है। ये एक 4 का भी सेट बना के देते हैं, जैसे दो यहाँ लगेंगे ठीक है, और एक फिर ऊपर लगेगा, एक इसके ऊपर लग जाएगा। 4 का भी बना के देते हैं और ये 12 वोल्ट के पंखों से लाख दर्जे बेहतर है। ये प्राइस भी बहुत नॉर्मल है, 5-6 साल निकाल ही देता है। 5-6 साल निकाल देता है आराम से। जो आम दूसरे पंखे मिल रहे 12 वोल्ट के, वो तो उससे लाख दर्जे। ये हम लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में और ये है
जैसे ही आएंगे पीएमटी लगा हुआ है ये रहा। कोई बात नहीं उठा लेंगे, जा बेटा उठा। सदर कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर ये आप देख सकते हैं, देखें बाबा जी को पहचान लें, आए तो यहाँ से इनसे पंखा बनवा के ले जाएं और जान छुड़वाएं, उसके बाद देखें चले चलेगा कि आवाज़ देना आवाज़ तो है जोर बहुत है। ये था दोस्तों, ये वो पंखा था जो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जो है ना लगता है, लेकिन ये आपके 12 वोल्ट से ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इसके बाद आप यार ये परवर की कीमत तो बता दो यार। ये थी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, तो मेरे ख्याल से यहीं से चाहेंगे इजाज़त, और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और 12 वोल्ट पंखे लेने से पहले जो है ना यहाँ पर आप आएंगे तो जो लेके आ रहे होंगे ना उनको आपने जो है ना पूछना है कि क्या हुआ, इसको ख़राब हुआ है, क्या हुआ है, कितने दिन पहले लिया था, ऐसे ही बंदा पूछ ले। फिर उसके बाद 12 वोल्ट को छोड़ के वो जो आपको कंप्यूटर वाला बताया ना पंख फैन, वो बड़े ज़बरदस्त हैं, वो तो लाइफ टाइम है, वो ख़राब नहीं होते। आप चलते हैं बाबा, ये क्या पंखा कितने का लिया? ये पंखा किसी और का है, ये बनाने के लिए लिया था। बनाने के लिए लाया? बनाने खराब हो गया क्या? तो कब लिया था ये? किसी और ने लिया था 3-4 दिन पहले। अच्छा, अब इसको बनवाने के लिए लाया? दोस्तों ये थी कराची की मशहूर सदर की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट जिसे कहते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के पंखों के अलावा हमने जो पंखे दिखाए कंप्यूटर वाले, वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, यहीं से चाहेंगे इजाज़त, रीगल चौक से अल्लाह हाफिज़।